हेलो फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड एडवोकेट्स एंड डियर कलीग्स एंड ऑल्सो द स्टूडेंट्स ऑफ लॉ, लीडिंग केस लॉ सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जस्टिस दीपांकर दत्ता के दिए गए एक स्पीच के बारे में, जो उन्होंने थर्ड जस्टिस एचआर खन्ना सिंपोजियम के मंच पर दिया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता उन चुनिंदा विधि में प्रभावशाली लोगों की बात करते हैं, उनके बारे में बताते हैं, उन्होंने कौन से लैंडमार्क केसेस लिखे हैं इसके बारे में बताते हैं, और इस क्रम में वो सबसे पहले जस्टिस एचआर खन्ना को याद करते हैं, उनके बारे में बताते हैं, फिर वो जस्टिस बियान मुखर्जी की चर्चा करते हैं, इसके बाद जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ जो कि वर्तमान हमारे चीफ जस्टिस हैं, इनके पिताजी हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं, और इसके बाद वो जस्टिस पी एन भगवती की चर्चा करते हैं, जिन्होंने बंधुआ मजदूर से संबंधित बहुत सारे अच्छे जजमेंट्स दिए हैं, और इनका एक बहुत ही अलग पहचान है। इसके बाद जस्टिस दीपांकर दत्ता साहब नानी पालकी वाला जो एक बहुत ही फेमस एडवोकेट हैं, और इन्होंने बहुत सारे जो लैंडमार्क जजमेंट हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें इन्होंने वकालत की है, और इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था एज एडवोकेट केशवानंद भारती केस में। इसके बाद डीडी बासु साहब जो एक डिस्टिंग्विश लॉ नोइंग पर्सन हैं, इनकी चर्चा वो करते हैं जस्टिस दीपांकर साहब। तो आइए हम देखते हैं कि जस्टिस दीपांकर साहब ने क्या क्या कहा है। सबसे पहले जस्टिस दीपांकर साहब एचआर खन्ना साहब की बात करते हुए, उनकी जो सबसे प्रमुख डिसेंट है एडीएम जबलपुर केस में इमरजेंसी के दौरान, वो उनकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि यह उनकी दूरदर्शिता और करेज है जिसके ऊपर आज इंडियन जुडिशरी का ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस आज का जो जुरिस्प्रूडेंस है वो टिका हुआ है। वो ये बताते हैं कि उन्हें पूरी तरीके से पता था कि जो चीफ की अगर ये जो जजमेंट जो ये लिखेंगे, ये जो डिसेंट वो लिखेंगे, ये उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो एस्टीम्ड पोस्ट है वह नहीं मिल पाएगा, और इसलिए उन्होंने ये जजमेंट लिखते ही अपना त्यागपत्र अपने पद से रिजाइन कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था। जस्टिस एचआर खन्ना का मानना ये था कि जब कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होता है तो, और ख़ास करके जब वो बेंच के लिए एलिवेट होता है बार से एक एडवोकेट से, वो एक जब जज बेंच के लिए एलिवेट किया जाता है तो वो एक प्लेज लेता है अपने इनर कॉन्साइंस के लिए, अपने प्रति और भगवान के प्रति, और इसमें उसे अपने जो वर्डिक्ट है, अपने इनर सेल्फ है, उस अपने परफॉर्मेंस का उसे जज करना होता है, और इसलिए इन्होंने ये कहा कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रीन है ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को देता है, और इसको आधार बनाते हुए इन्होंने जब इमरजेंसी का वो एग्जीक्यूटिव का जो रूथलेस समय चल रहा था 70s के दौर में, तब इन्होंने ये एडीएम जबलपुर का डिसेंटिंग जजमेंट दिया था। इसके बाद जस्टिस दीपांकर साहब बी एन मुखर्जी साहब की बात करते हैं, और ये बताते हैं कि किस तरीके से इन्होंने गवर्नमेंट को ही थ्रेटन किया था कि अगर उन्हें सीनियरिटी को छेड़छाड़ करके चीफ जस्टिस बनाया जाता है तो वो खुद इससे इस्तीफा दे देंगे। और इनका जो सबसे ज़्यादा रोल है वो है पिवोटल जजमेंट ऑफ राय साहब राम जवाया कपूर वेयर द सप्रेशन ऑफ पार एंड द डिफिनीशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शन वेयर एग्जामिन। राम जवाया कपूर का जो जजमेंट था वो इनके द्वारा लिखा गया था, और इसमें सेपरेशन ऑफ पावर को एग्जामिन किया गया था, साथ ही साथ शिरूर मठ केस को इन्होंने रेफर किया था जिसमें हिंदू लॉ से रिलेटेड रिलीजियस एंडोमेंट्स में क्या राइट्स हैं इसको डिस्कस किया गया था। फिर रतिलाल गांधी केस का डिस्कस किया गया था जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन की बात की गई थी कि रिलीजियस लिबर्टी के लिए कितना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है। इसके बाद जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ की बात करते हुए वो कहते हैं कि ये 16वें लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस थे, और इनके इंटेलेक्चुअल पावर की, जुडिशियल विजन की, एलिगेंट एक्सप्रेशन की, और जस्टिस के प्रति जो कमिटमेंट थी इसको लेकर के इनकी काफ़ी तारीफ करते हैं जस्टिस दीपांकर साहब, और हाईलाइट करते हैं
कि कैसे इन्होंने आर्टिकल 21 का लिबरल इंटरप्रिटेशन करते हुए गुरुबख्श सिंह सीबिया में एंटीसिपेटरी बेल की वकालत की थी और इसे आर्टिकल 21 के समकक्ष ला करके खड़ा कर दिया था। इसके बाद जस्टिस पीएन भगवती की बात करते हुए जस्टिस दत्ता जो है इनके लेगेसी को लेगेसी को याद करते हुए बताते हैं कि कैसे इन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में इनका कितना बड़ा रोल रहा था। इसके बाद जो डिस्टिंग्विश प्रोफेसर हैं हमारे नानी पालखी वाला को याद करते हुए कि पहली बार इन्होंने जूनियर होते हुए भी चैम्बर में पीबी राव जी का केस आर्ग्यू किया था और सरसियारी का रिट गवर्नमेंट के अगेंस्ट इशू करने के लिए कोर्ट को कन्विंस किया था, परसुएट किया था, जबकि कोर्ट को इस स्टे और इसमें उन्होंने कई ऐसे आर्गुमेंट भी लिए थे जो रिजवाइंडर में मेंशन नहीं थे। इसके बावजूद भी उन्होंने कोर्ट को परस्यू किया था कि ये इसमें सरसियारी का रिट इशू किया जाए, जो कि ये पहली बार हुआ था, जो कि उनके लीगल एडवोकेसी की काबिलियत को दर्शाता है। और इसके बाद डीडी बासु साहब का की तारीफ करते हैं। ये डीडी बासु साहब बहुत ही बड़े लीगल इल्यूमिनरीज हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पे कमेंट्रीज है और इनके जजमेंट को याद करते हुए कहते हैं कि ये जस्टिस दत्ता ही हैं जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने डीडी बासु को ये कहा था कि किस तरीके से इन्होंने फॉरेन कोर्ट्स की रूलिंग को कॉमन इंडियंस के लिए एसेसिबल बना दिया, फैमिलियर बना दिया। दोस्तों ऐसे ही जो लीडिंग केस लॉ से रिलेटेड वीडियोस हैं हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।